अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम करेंगे END 101 की मिड टर्म की प्रिपरेशन। तो सबसे पहले ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। CS 101 की मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए वीडियो जो है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। तो उसमें जस्ट MCQs ही आपको CS 101 में पूछे जाएंगे, तो वो MCQs की वीडियो जो मैंने अपलोड की है वो आप लोगों ने कम्प्लीट ज़रूर देखनी है पेपर में जाने से पहले, ठीक है। तो END 101 की देख लेते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं, फिर उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हम END 101 के हैंड आउट्स को कम्प्लीटली देखेंगे कि क्या क्या MCQs बन रहे हैं, और आप उनको प्रिपेयर करके तो ए ग्रेड इस सब्जेक्ट में गेन कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम END 101 की मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, ठीक है, तो आप उसका फीडबैक भी देख सकते हैं। आप सर्च करेंगे END 101 मिड टर्म प्रिपरेशन, तो सबसे ऊपर टॉप पे जो वीडियो होगी वो मेरी ही होगी, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट का फीडबैक जो है वो बहुत अच्छा आया है, ठीक है, कि स्टूडेंट्स ने मेरी उस एक वीडियो को देख के तो अपनी END 101 की प्रिपरेशन की थी जस्ट एक वीडियो से, ठीक है। तो फिर उन्होंने पेपर दे के आके तो अपना फीडबैक शेयर किया, ठीक है, कमेंट में बताया है कि पेपर जो है उनको कम्प्लीटली उसी वीडियो में से आया था और उनको ए ग्रेड मिला है, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट्स ने कहा है कि उन्होंने इस वीडियो से प्रिपरेशन की थी और उनको उनके पेपर END 101 में ए ग्रेड मिला। तो इसलिए आप लोगों ने भी इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। इसमें भी आपको बताऊंगी कि क्या चीज़ें जो हैं वो MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और आप उनको प्रिपेयर करके तो अच्छा CGPA जो है वो गेन कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसका सिलेबस देखेंगे। सिलेबस इसका क्या है कि आपको अनाउंसमेंट में बताया गया है कि END 101 मिड टर्म एग्ज़ाम जो है उसमें जस्ट MCQs होंगे, ठीक है। तो पहले MCQs और साथ में क्वेश्चन भी होते थे, ठीक है, लेकिन इस दफ़ा जो है आपको क्वेश्चन नहीं दिए गए, जस्ट आपको MCQs दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए एक आसानी होगी है, और फिर उन MCQs में भी आपको चॉइस दी जाएगी। तो चॉइस के अबाउट जो है अभी तक तो अनाउंसमेंट में उन्होंने नहीं बताया, लेकिन वो पेपर पैटर्न बता देंगे, ठीक है, एक दो दिन तक शायद आपको बता दें, और अगर नहीं भी बताएंगे तो फिर भी MCQs में आपके पास थोड़ी सी चॉइस होगी। नेक्स्ट क्या है कि ये जो एग्ज़ाम है आपका ये होगा कहाँ से, Lecture 1 to 18, ठीक है। तो Lecture 1 to 18 जो है वो आपने प्रिपेयर करनी है इस एग्ज़ाम के लिए, और इसका टाइम कितना होगा, 60 मिनट, यानी कि एक घंटे का आपका पेपर होगा जिसमें जस्ट आपके MCQs होंगे। उसके बाद ये है कि उन्होंने कहा है कि आपने वीडियो लेक्चर देखने हैं, आपने हैंड आउट्स को कम्प्लीटली देखना है ताकि आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकें, ठीक है। तो चलिए हम अपनी आज की प्रिपरेशन की वीडियो की तरफ चलते हैं। तो END 101 मिड टर्म 1 to 18 है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और Lecture 1 से स्टार्ट करते हैं। Lecture 18 तक जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है और एक दूसरे के साथ मस्ट शेयर करना है अगर वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी। चलिए हम सबसे पहले हमारे पास है कि डेफिनेशन ऑफ डिक्शनरी, ठीक है। तो पहले ये क्वेश्चन होता था, क्योंकि अब क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो इट्स मीन कि जो क्वेश्चंस पहले पूछे जाते थे वो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इसलिए वो क्वेश्चन के तौर पर पूछी जाती थी, ठीक है। तो अब क्योंकि आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाने, तो इसका मतलब है कि जो पहले क्वेश्चन में चीज़ें पूछी जाती थी वो अब MCQs में भी पूछी जाएंगी, ठीक है, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो वो अब आपको MCQs के तौर पर पूछी जा सकती हैं। तो डिक्शनरी की डेफिनेशन जो है वो आपने देख लेनी है कि क्या है। डिक्शनरी जो है वो एक बुक है जिसमें वर्ड्स जिसमें जस्ट लिस्ट नहीं होती, ठीक है, वर्ड्स लैंग्वेज के जो वर्ड है उनका रिकॉर्ड या लिस्ट नहीं होती, बल्कि हमने उसको किस तरह से बोलना है, ठीक है, किस तरह से स्पीकर जो है वो किस तरह से लैंग्वेज को स्पेल करेगा, प्रोनाउंस करेगा, डिफाइन एक्सप्लेन एंड वर्ड को किस तरह से यूज़ करेगा, ये सारी चीज़ें जो है हमें डिक्शनरी बताती है, ठीक है। तो ये डिक्शनरी की डेफिनेशन है, डेफिनेशन को आप लोगों ने याद कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। उसके बाद नेक्स्ट है कि लिस्ट ऑफ डिक्शनरी यूजेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिक्शनरी के यूजेस हैं, इन सब को आपने देख लेना है एक दफ़ा, ये आपको MCQs के तौर पर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कोई से 3 नेम गिवन होंगे, फिर ऑल ऑफ द गिवन होगा, और फिर पूछा जाएगा कि डिक्शनरी का इनमें से यूज़ कौन सा है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव जो है वो आप लगा सकते हैं। इंपॉर्टेंट MCQs यहाँ से बन रहा है, ठीक है। उसके बाद सिनोनिम क्या है, एंटोनिम क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपसे MCQs के तौर पर पूछी जा सकती हैं। तो हर टर्म को यहाँ पे डिक्शनरी के जितने यूजेस बताए गए हैं उनको नीचे डिफाइन किया गया है, तो आपने उनकी डेफिनेशंस जो हैं वो देख लेनी है। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन है
ये वाली ठीक है, इसको आपने MCQs के तौर पर करना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ठीक है। तो सिमिलर और ऑपोजिट मीनिंग्स ऑफ अ वर्ड्स आर आल्सो गिवन बट नॉट इन ऑल डिक्शनरीज, ठीक है। कि जो डिक्शनरीज होती हैं उसमें सिमिलर और ऑपोजिट वर्ड्स के मीनिंग भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए सिनोनिम्स क्या होते हैं, वो वर्ड्स जो सिमिलर होते हैं, एंटोनिम जो ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। और आपको किसी वर्ड का सिनोनिम दिया जा सकता है, ठीक है, कोई वर्ड दिया जा सकता है और कहा जा सकता है कि इसका सिनोनिम फाइंड करें, ठीक है। और फिर एंटोनिम कोई दिया जा सकता है, ठीक है, तो किसी वर्ड का एंटोनिम फाइंड करें, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मेरे पास एक ट्रिक है जिससे आप अपने पेपर के दौरान बेनिफिट ले सकते हैं, यानी कि सिनोनिम्स जो हैं वो मोस्टली ENG 101 के पेपर में पूछे जाते हैं, सिनोनिम एंटोनिम ये चीज़ें, तो आम हर स्टूडेंट को एक दो MCQs इसके अबाउट जो है सिनोनिम और एंटोनिम के अबाउट ज़रूर आएगा। तो आपने इसको किस तरह से करना है, इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है, तो वो मैं आपको लेकर चलती हूँ MS वर्ड में, वहाँ पर आपको बताती हूँ, ठीक है, कि किस तरह से आप जो है वो वहाँ से MS वर्ड से आप सिनोनिम देख सकते हैं किसी भी वर्ड का। तो MS वर्ड को मैं ओपन कर रही हूँ, यहाँ पे आपको वो मैं ट्रिक बताऊँगी। तो अब MS वर्ड के यूजेज में भी कुछ लोगों को इश्यू होते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम वीडियो में ये मैंने ट्रिक बताई थी कि MS वर्ड में से आप किस तरह से सिनोनिम और एंटोनिम देख सकते हैं, ठीक है। तो वह कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि उनको उनके कैंपस में जो है MS वर्ड को यूज़ करने में रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कैंपस होते हैं जो MS वर्ड को यूज़ करने देते हैं स्टूडेंट को, और कुछ होते हैं जो MS वर्ड को स्टूडेंट को यूज़ करने नहीं देते ENG 101 के पेपर में, ठीक है। तो अगर आपको इजाज़त हो MS वर्ड यूज़ करने की, तो फिर आप यहाँ से सिनोनिम इजीली देख सकते हैं। अब ये देखिए, मैं यहाँ पे लिखती हूँ डिवाइस, यानी कि हमारे पास कोई वर्ड हमें कहा गया है डिवाइस, इसका हमने सिनोनिम बताना है। तो इसका सिनोनिम आपने किस तरह से बताना है कि आप इसको वर्ड में लिखेंगे, वर्ड में लिखने के बाद आप इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखें आपके पास आ गया सिनोनिम्स, ठीक है। तो यहाँ पे सिनोनिम्स में आप करेंगे तो ये देखें इसके सारे सिनोनिम्स आ गए हैं, ठीक है। तो इसमें से जो भी MCQs होगा वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी वर्ड हो, ठीक है। उसके अलावा अगर आपका इस तरह से ऑप्शन में सिनोनिम नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे देखें इसके ऊपर राइट क्लिक करना, सिलेक्ट करना, राइट क्लिक करना, और यहाँ पे सिनोनिम नहीं आया, तो फिर आप किस तरह से सिनोनिम को देख सकते हैं। आप यहाँ पे जाएंगे मेलिंग में, नहीं रिव्यू में आप जाएंगे, और यहाँ पे देखें ये जो बुक वाला निशान है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखें यहाँ पे डिवाइस जो वर्ड हमने लिखा है उसके सारे जो सिनोनिम है यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी वर्ड का सिनोनिम देखने के लिए आप इसको यहाँ पे लिखेंगे और फिर सर्च करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे सिनोनिम आ जाएंगे। तो इससे आप इजीली जो है वो MCQ सॉल्व कर सकते हैं जिसमें आपसे सिनोनिम का पूछा गया हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैंने लाइन जो है वो हाईलाइट की है कि ऑल एंट्रीज इन डिक्शनरी आर अरेंज्ड इन एन अल्फाबेटिक ऑर्डर, ठीक है, कि डिक्शनरी में जो तमाम एंट्रीज होती हैं वो किस अरेंजमेंट में होती हैं, ये आपसे MCQs पूछा जा सकता है अल्फाबेटिक ऑर्डर में, असेंडिंग, डिसेंडिंग, इस तरह से MCQs दिए जा सकते हैं। तो आपने याद रखना है कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में होती हैं, तो ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद नेक्स्ट है गाइड वर्ड्स, ठीक है, गाइड वर्ड्स क्या होते हैं ये आपको MCQs में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको बताया जाएगा द वर्ड्स इन हैवी बोल्ड या हैवी टाई बोल्ड फेस आर कॉल्ड डैश, ठीक है। तो वो आप बताएंगे कि गाइड वर्ड्स उनको कहते हैं, वो वर्ड्स जो हैवी बोल्ड होते हैं, ठीक है, बोल्ड फेस होते हैं, उनको हम गाइड वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये आप चीज़ें जो है आपने याद रखनी है MCQs के लिए, जितनी भी मैंने हाईलाइट की हैं, ठीक है। तो वीडियो में कुछ चीज़ें जो हैं वो मैंने बताई हैं कि एज अ क्वेश्चन, ठीक है, तो जो एज अ क्वेश्चन बताई गई हैं, क्योंकि इस दफ़ा तो क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाने, जस्ट MCQs पूछे जाने हैं, तो जो पिछली दफ़ा क्वेश्चन के तौर पर चीज़ें पूछी जा रही थी, अब वो इस दफ़ा MCQs के तौर पर वो चीज़ें भी पूछी जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी चीज़ें मैं बताऊँगी आपको क्वेश्चन के तौर पर, MCQs के तौर पर, उन तमाम चीज़ों को आपने एज अ MCQs याद करना है, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो पेपर में MCQs होंगे तमाम स्टूडेंट्स के, वो रैंडमली होंगे। रैंडमली मीन्स के जिस तरह से आपके क्विज के MCQs तमाम स्टूडेंट्स के डिफरेंट होते हैं, ठीक है, तो इसी तरह से आपके पेपर में जो MCQs होंगे तमाम स्टूडेंट के डिफरेंट होंगे, और इसी हैंडआउट्स में होंगे, तो इसीलिए इस हैंडआउट्स में जितने भी MCQs बन रहे हैं वो तमाम MCQs मैंने आपको बताए हैं,
ताकि उन तमाम MCQs को आप याद कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो कि आपका पेपर जो है वो अच्छे से अच्छा हो जाए। लेसन नंबर 2 में आ जाए, जस्ट लेसन नंबर 1 में जस्ट आपने वही चीज़ें करनी थी जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। उसके बाद लेसन नंबर 2 में आ जाए। लेसन नंबर 2 में हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हमारे पास एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन टाइप एक लाइन है, ठीक है। ये आपने देखनी है कि फोनेमिक, ठीक है, फोनेमिक सिंबल्स आर गिवन इन स्लैश ब्रैकेट्स इन डिक्शनरी, ठीक है। तो ये आपने MCQs के लिए याद रख लेना है कि फोनेमिक सिंबल्स जो हमारे पास होते हैं उनको हम स्लैश ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं डिक्शनरी में, और उनके लिए ये स्लैशेस हैं, 2 slashes, ठीक है। तो ये MCQs के तौर पर ये लाइन आपने याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत दफ़ा पूछी जाती है स्टूडेंट्स से, तो ये आप लोगों ने याद कर लेनी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट MCQs क्या है कि कितने शॉर्ट वॉवल्स हैं, ठीक है। तो आपके पास 7 शॉर्ट वॉवल्स हैं, ये भी तमाम स्टूडेंट्स ने याद करने हैं, और आपके पास 5 लॉन्ग वॉवल्स हैं। ये वॉवल्स के हवाले से, और ये जो लाइन ऊपर है ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं, अगेन बता रही हूँ, तो इसको याद कर लें आप। शॉर्ट वॉवल्स कितने हैं 7, लॉन्ग वॉवल्स कितने हैं 5, और फिर यहाँ पे आपने बताना है कि लॉन्ग वॉवल्स जो हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 small dots से, ठीक है। ये हमारे पास लॉन्ग वॉवल्स हैं, तो इनको हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, 2 dots लगा के, लास्ट पे 2 dots लगा के। तो ये आपने याद करना है कि लॉन्ग वॉवल्स को आप डिक्शनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 small dots लगा के। उसके बाद है आपके पास डिफ्थंग वॉवल्स, ठीक है। तो ये डेफिनेशन के तौर पे भी पूछा जा सकता है, MCQs में भी और क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कितने डिफ्थंग वॉवल्स हैं, ठीक है। तो आपने कहना है 8। उसके बाद आपसे इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, डेफिनेशन क्या है कि जब एक वॉवल साउंड से दूसरी वॉवल, ठीक है, जब यानी कि जब 2 vowel sounds से आप कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो वो क्या होती है, वो डिफ्थंग वॉवल होते हैं। यानी कि 2 vowel sounds से आप कोई नई जो है साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो वो हमारे पास होती है डिफ्थंग वॉवल, ठीक है। और ये 8 हैं, और इसमें हम क्या करते हैं कि एक वॉवल साउंड से दूसरी वॉवल साउंड में मूव करते हैं। ये एज अ डेफिनेशन भी आपने करना है और एज अ MCQs भी इम्पॉर्टेंट है। बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट थे, ठीक है, कि मैम हम किस तरह से तैयारी करें ENG 101 की, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं उनके लिए, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ जिन्होंने अभी तक कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया ENG 101 का। तो इंशाल्लाह आप ये वीडियो प्रिपेयर करेंगे तो बहुत अच्छा पेपर होगा। नेक्स्ट वन चलते हैं कि देयर आर 20 vowel phonemics इन इंग्लिश, ठीक है, कि इंग्लिश में कितने वॉवल्स हैं, टोटल वॉवल्स जो हैं इंग्लिश में 20 हैं। तो ये आपने याद रखना है MCQs के तौर पर। उसके बाद आपने याद रखना है कि 7 जो हैं वो शॉर्ट वॉवल्स हैं, 5 long vowels हैं, 8 diphthong vowels हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने देखना है कि इंग्लिश लैंग्वेज में आपके पास 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट MCQs है कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, ठीक है। तो आपने कहना है कि 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, MCQs के तौर पर पूछा जा सकता है। उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन जो है ये भी आपने याद करनी है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेस। तो स्ट्रेस की डेफिनेशन है, इसको आपने याद करना है, और स्ट्रेस को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए एज अ MCQs। क्या है कि स्ट्रेस एक फोर्स है जो हम जब किसी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो उस पर हम फोर्स लगाते हैं, वो स्ट्रेस कहलाती है। और स्ट्रेस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक टाइनी मार्क से जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये टाइनी मार्क वर्ड के ऊपर ये टाइनी मार्क लगा के तो हम स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये MCQs के तौर पर इम्पॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे स्ट्रेस लगी है, ठीक है, तो स्ट्रेस यहाँ पे स्पेलिंग सेम है, यहाँ पे भी सेम है, लेकिन स्ट्रेस जो है वो यहाँ पे आर पे है, यहाँ बी में है, तो स्ट्रेस से मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इस पैराग्राफ को रीड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। लेसन नंबर 3 में आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से और MCQs भी, ठीक है, तीनों के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि रीडिंग वर्ड मेन आइडिया। इसमें सबसे पहले तो ये जो मैंने हाईलाइट की है लाइन, ये आपने करनी है MCQs के लिए, ठीक है। ये लाइन आपने MCQs के लिए करनी है। आपसे पूछा जा सकता है कि योर अबिलिटी टू रीड इंग्लिश रैपिडली एंड एक्यूरेटली डिपेंड्स अपॉन विच, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आंसर देना होगा पर्पजफुल प्रैक्टिस, ये आपके पास आंसर होगा, इंपॉर्टेंट MCQs है ये। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास के टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ,
उससे पहले भी एक गुड रीडर की एक लाइन है, इसको भी आपने रीड करना है एमसीक्यूज के लिए, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है कि टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ क्या है, ठीक है। तो टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ ये आपने याद करना है कि टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ जो है वो पूरे पैराग्राफ का सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और इसको हम दो से ज़्यादा वर्ड्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और नॉर्मली जो है ये पैराग्राफ के स्टार्ट पे होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ। वैसे भी ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, किस तरह से कि आपके पास जिस तरह से यहाँ पे टेक्स्ट गिवन है, इस तरह से आपको टेक्स्ट गिवन होगा और आपसे कहा जाएगा कि इसका टॉपिक सेंटेंस बताएं, टॉपिक ऑफ सेंटेंस बताएं या मेन आइडिया बताएं, ठीक है। तो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना होगा कि ये इसका टॉपिक सेंटेंस है या मेन आइडिया है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है कि पैराग्राफ का आपने टॉपिक किस तरह से फाइंड करना है और पैराग्राफ का मेन आइडिया किस तरह से फाइंड करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज के हवाले से भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको प्रैक्टिस के लिए काफ़ी पैराग्राफ और सेंटेंसेस दिए गए हैं कि आप फाइंड करें कि कौन सा इसका टॉपिक सेंटेंस है। तो ये इसीलिए दिए गए हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है पेपर में भी, तो इसलिए प्रैक्टिस के लिए ये आपको पैराग्राफ दिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लेसन नंबर 4, इसमें भी वही चीज़ें हैं टॉपिक और मेन आइडिया, ठीक है। तो तीन चीज़ें आपको फाइंड करनी आनी चाहिए पैराग्राफ से। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ यानी कि टॉपिक सेंटेंस, उसके बाद आपको मेन आइडिया फाइंड करना आना चाहिए, उसके बाद आपको सपोर्टिंग आइडिया, आइडिया को जो सेंटेंसेस सपोर्ट कर रहे हैं उनका पता होना चाहिए, ठीक है। ये तीन चीज़ें जो है ये फाइंड करना इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा मेन आइडिया और टॉपिक सेंटेंस ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास एक कंप्यूटर का पैराग्राफ गिवन है, ठीक है। और फिर लास्ट में आपसे पूछा जाएगा कि इसका टॉपिक सेंटेंस ये है, ये हमारे पास पैराग्राफ है, इसका टॉपिक सेंटेंस ये है कि कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है। उसके बाद मेन आइडिया है, ठीक है, कि मेन आइडिया यानी कि पूरे पैराग्राफ का मकसद क्या है, ठीक है, मेन चीज़ उसमें क्या है, वो हमारा मेन आइडिया होगा। और भी सपोर्टिंग आइडिया जो उस मेन आइडिया को से रिलेटेड जो सेंटेंस होगा वो सपोर्टिंग आइडिया होगा, ठीक है। इस तरह से ये तीनों चीज़ें जो है आपको फाइंड करनी आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। उसके अलावा आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में इस तरह से ट्रू फॉल्स जो है वो भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आपके पास स्टेटमेंट्स गिवन हों, आपसे पूछा जाए कि बताएं कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में इस तरह से ट्रू फॉल्स जो है वो भी पूछे जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इस तरह से एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, इस तरह से भी आपसे पूछा जाता है कि आपके पास एग्जांपल्स फिल इन द ब्लैंक्स दी होती हैं और ऊपर वर्ड्स दिए होते हैं, तो कहा जाता है कि इन वर्ड्स में से यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में करेक्ट आंसर जो है वो लगाएं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस भी आपने करनी है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है लॉन्ग। नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चर नंबर 5, इसमें क्या है, इसमें है हमारे पास रेफरेंसेस एंड कनेक्टिव। तो रेफरेंसेस क्या कहते हैं, जो हम वर्ड यूज़ करते हैं किसी को रेफर करने के लिए उसे हम रेफरेंसेस कहते हैं, और कनेक्टिव जो है वो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास दो सेंटेंस अलग अलग हों और एंड दरमियान में लगा के, तो हम इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ देते हैं, एक बना देते हैं, ठीक है। तो वो एंड जो है वो हमारे पास कनेक्टिव है, जो दो आइडियाज़ को आपस में कनेक्ट कर रहा है, दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट कर रहा है। उसके बाद रेफरेंसेस देख लें कि रेफरेंसेस क्या है, कि जो किसी को डेलीवेट करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि रेफरेंसेस क्या हैं। यहाँ पे देखें कि मिस्टर सलमान ने एक न्यू कार खरीदी है, ठीक है, हिज़ चिल्ड्रन, ठीक है। यहाँ पे हिज जो है ये रेफरेंस है, किसका रेफरेंस है, मिस्टर सलमान का, ठीक है। अगेन हम यहाँ पे लिख सकते थे कि मिस्टर सलमान चिल्ड्रन, ठीक है, मिस्टर सलमान के बच्चे जो हैं, ठीक है, आगे जो भी है, लेकिन हमने यहाँ पे मिस्टर सलमान अगेन यूज़ नहीं किया, उसकी जगह पे हमने हिज यूज़ कर लिया है मिस्टर सलमान को रेफर करने के लिए, उसका रेफरेंस देने के लिए। तो ये जो हिज है ये रेफरेंस के तौर पर यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, हमारे पास एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है, दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, इकट्ठा कर दिया। यहाँ पे ये देखें फुल स्टॉप था,
दोनों सेंटेंसेस अलग-अलग थे, दो सेंटेंसेस थे, लेकिन यहाँ पे हमने फुल स्टॉप नहीं लगाया और दरमियान में हमने कनेक्टिव वर्ड जो है बट वो लगा दिया है और दोनों सेंटेंसेस को एक ही सेंटेंस बना दिया है। तो जब दो सेंटेंसेस को किसी कनेक्टिव से हम एक बनाते हैं तो वो हम किससे बनाते हैं, कनेक्टिव वर्ड से। तो अब यहाँ पे जो बट है जो दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रहा है वो है हमारे पास बट, और बट एक कनेक्टिव है। हिज क्या है, हिज रेफरेंस है, जो रेफर कर रहा है मिस्टर सलमान को, और यहाँ पे जो सेंटेंसेस को मिला रहा है आपस में वो है बट, और बट क्या है, कनेक्टिव वर्ड है। होपफुली आपके पास रेफरेंसेस और कनेक्टिव्स का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन हम चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। यहाँ पे कनेक्टिव्स जो हैं उनको अगेन यहाँ पे डिफाइन किया गया है, जिस तरह से मैंने आपको बताया सेम उसी तरह से इसकी डेफिनेशन को आप लोग देख लीजिएगा, एमसीक्यूज के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद कनेक्टिव्स और रेफरेंसेस का इस तरह से भी आपको पूछा जा सकता है कि आपके पास सेंटेंसेस गिवन हों और आपसे कहा जाए लॉन्ग में या शॉर्ट में कि आप मिस्टर सलमान का जो रेफरेंस है वो बताएं, तो वो होगा हिज, ठीक है। और कहा जा सकता है कि सेंटेंस गिवन है और इस सेंटेंस में आप बताएं कि कौन सा कनेक्टिव है, तो कनेक्टिव कौन सा होगा जो दो सेंटेंसेस को मिलाएगा, तो वो होगा बट। तो इट्स मीन कि हमारा ये कनेक्टिव वर्ड है। नेक्स्ट वन है हमारे पास कनेक्टिव्स की डेफिनेशन, ये आपने करनी है। उसके बाद हमारे पास ट्रांजिशनल मार्कर्स हैं, तो ट्रांजिशनल मार्कर्स जो हैं वो भी आइडियाज़ को गेट टुगेदर करती हैं, इकट्ठा करती हैं, ठीक है। तो ये वाले 7 ट्रांजिशन मार्कर्स हैं, इनको आपने देख लेना है, इनके नाम याद कर लेने हैं। नेक्स्ट ये इनको इतनी डिटेल से देखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वन हमारे पास एक सैम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको एक सैम्पल दिया जा सकता है, आपको एक पैराग्राफ दिया जा सकता है, कहा जा सकता है कि इसमें से आप फाइंड करें कि रेफरेंसेस कौन सी हैं और कनेक्टिव्स कौन से हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमें क्या कहा गया है, हमें कहा गया है कि हिम जो है, आप बताएं कि ये जो हिम है, ठीक है, हिम क्या है, एक रेफरेंस है। तो हिम जो है ये किसको रेफर कर रहा है, हिम जो है वो किसको रेफर कर रहा है, शेक्सपियर को, जो यहाँ पे पर्सन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है हिम, ठीक है। इसी तरह से हमें कहा जा सकता है कि फर्स्ट क्या है, ठीक है, फर्स्ट क्या है, फॉर एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ट्रांजिशन वर्ड्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, ये हमारे पास ट्रांजिशन वर्ड्स हैं। उसके बाद बट जो है ये हमारे पास क्या है, ये दो सेंटेंसेस को जोड़ा है, तो ये हमारे पास कनेक्टिव होगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट और ऑफ कोर्स, ये सब क्या कर रही है, ये सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहे हैं, तो ये हमारे पास कनेक्टिव्स होंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये सब कनेक्टिव्स हैं और ये पैराग्राफ में रेफरेंसेस हैं, तो इनकी प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास सैंपल गिवन है, सैंपल नंबर 2, तो यहाँ से भी आपको देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मज़ीद पैराग्राफ गिवन है, ये प्रैक्टिस के लिए आपको गिवन है, ताकि आप लोग प्रैक्टिस करें और अच्छे से पेपर जो है वो अटैम्प्ट कर सकें। नेक्स्ट वन हम चलते हैं लेसन नंबर 6 में। यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसमें भी हमारे पास पैराग्राफ्स गिवन है, ठीक है। तो पैराग्राफ को हम रीड नहीं करेंगे, क्योंकि पैराग्राफ में आपने क्या करना है, पैराग्राफ में आपको कहा जा सकता है कि पैराग्राफ दिया गया हो और कहा जा सकता है कि आप इसका मेन आइडिया बताएं, आप इसका टॉपिक सेंटेंस बताएं, ठीक है। तो वो मैंने आपको बता दिया कि आप उसकी प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छे से उसको बता सकेंगे, सॉल्व कर सकेंगे। यहाँ पे देखिए जो सेंटेंसेज ऊपर थे उनका मेन आइडिया पूछा गया है, 3 सेंटेंसेज पूछा गया है कि जो ऊपर टॉपिक है, पैराग्राफ है, उसका मेन आइडिया इन तीनों में से कौन सा है, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस इसकी करेंगे तो फिर ही आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। उसके अलावा ट्रू फॉल्स जो है वो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपके पास सिनोनिम पूछे जा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में गिवन है, आपके पास 5 वर्ड्स आपको गिवन होंगे और कहा जाएगा कि इनके सिनोनिम्स आप राइट करें। तो सिनोनिम राइट करने के लिए आपके पास एक वो टिप जो है, एक वो मैं आपको बता देती हूँ कि आप किस तरह से सिनोनिम को, अगर आपके पास सिनोनिम आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको पेपर में सिनोनिम आ जाए, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि सिनोनिम जो है वो मैं आपको एक टिप बताने लगी हूँ जिससे आप सिनोनिम जो है वो फाइंड कर सकते हैं। लाइक हम मशीन है ना, तो मशीन को हम वहाँ पर आप वर्ड पर जाएंगे, ठीक है, आपके पेपर में अगर सिनोनिम आ जाते हैं तो आप क्या करेंगे कि आप वर्ड को, एमएस वर्ड को ओपन करेंगे और यहाँ पे अपना वर्ड जो है
जैसे हमारा मशीन का सिनोनिम हमें लिखने को कहा है, तो यहाँ पे आप मशीन लिखेंगे। फिर मशीन को आप कॉपी करेंगे, कॉपी करके आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास सिनोनिम का ऑप्शन आएगा, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं आया। कोई बात नहीं, अगर ऑप्शन नहीं आएगा तो फिर आप क्या कहेंगे करेंगे कि आप जाएंगे यहाँ रिव्यू पे, रिव्यू पे जाके यहाँ पे आप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शंस आ गए। तो अब ये देखें, ये जो मशीन हमने वर्ड लिखा है उसका हम सिनोनिम फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये सारे उसके सिनोनिम्स हैं। तो इसका कोई भी सिनोनिम जो है वो आप राइट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे डिवाइस, मशीन जो है वो डिवाइस है, तो मशीन डिवाइस हम लिख सकते हैं, या यहाँ से कोई भी अपना जो है वो सिनोनिम लिख सकते हैं। ये सारे उसके सिनोनिम हैं, मिलते जुलते वर्ड हैं जिनके मीनिंग सेम है। सिनोनिम वो होते हैं जिनके मीनिंग सेम हो, ठीक है। तो डिवाइस और मशीन दोनों एक ही चीज़ है, तो इसका सिनोनिम आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप, अगर आपको सिनोनिम आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, एमसीक्यूज में, तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं जिस तरह से मैंने आपको बताया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे सॉल्व, ठीक है। तो सॉल्व का हम सिनोनिम देख लेते हैं। अगेन उसी तरह से आप लिखेंगे, वर्ड में जाएंगे, वहाँ पे आप लिखेंगे अपना वर्ड जिसका आपने सिनोनिम फाइंड करना है, और इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके आप राइट क्लिक करेंगे, अगर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, रिव्यू पे जाएंगे और यहाँ पे आप, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लिक किया तो ये देखें हमारे पास सिनोनिम आ गए इसके सॉल्व के। तो यहाँ से कोई भी सिनोनिम जो है वो आप वहाँ पे राइट कर सकते हैं। इस तरह से आप सिनोनिम को सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपसे एंटोनिम पूछे जा सकते। ये देखें, हमने देखा था मशीन का सिनोनिम क्या था, डिवाइस। तो यहाँ पे आंसर में भी आपको बताया गया है कि मशीन का सिनोनिम क्या है, डिवाइस, ठीक है। तो वो सारे सिनोनिम थे, कोई भी सिनोनिम उनमें से आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास एंटोनिम्स। एंटोनिम्स यानी कि ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड जो है वो भी आप लिख सकते, आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ओल्ड जो है इसका ऑपोजिट मीनिंग क्या होता है, न्यू, ठीक है। ओल्ड पुराना, न्यू नया, ठीक है। तो इस तरह से ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे आप फ्यू है यानी कि चंद, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, मैनी। इस तरह से आपके आपसे एंटोनिम जो है वो भी क्वेश्चन के तौर पर भी पूछे जा सकते हैं और एमसीक्यूज के तौर पर भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वन हम चलते हैं जो इम्पोर्टेंट हमारे लेसन नंबर 7 जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टॉपिक मेन आइडिया वाला और लेसन नंबर 7 प्रीफिक्सेस वाला, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज और क्वेश्चन के हवाले से। किस तरह से इम्पॉर्टेंट है देखते हैं। सबसे पहले आपके पास एक ये डेफिनेशन के तौर पर लिखा हुआ है, इसको आपने याद करना है एमसीक्यूज के तौर पर, कि इंग्लिश में जो वर्ड्स आपके पास होते हैं उनके 3 पार्ट्स होते हैं। एक उसका प्रीफिक्स होता है, एक स्टेम और एक सोफिक्स। अब हम देखते हैं कि ये तीनों चीज़ें क्या हैं। स्टेम जो है वो हमारा रूट वर्ड होता है, यानी कि असल वर्ड जो होता है वो होता है, ठीक है। रूट स्टेम यानी कि रूट वर्ड होता है। और प्रीफिक्स क्या होता है, जो रूट वर्ड से पहले हम लगाते हैं उसको प्रीफिक्स कहते हैं। और सूफिक्स क्या होता है, जिसको हम रूट वर्ड के बाद में लगाते हैं वो सूफिक्स हमारे पास होता है। नेक्स्ट इसको हम मज़ीद डिटेल से और एग्जांपल से देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट इसका। आगे देखेंगे प्रीफिक्स क्या है कि स्टेम वर्ड, ठीक है, स्टेम जो हमारे पास वर्ड होता है, रूट वर्ड होता है, उससे पहले यानी कि बिफोर जो हम लगाते हैं वर्ड उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। और सूफिक्स क्या है, जिसको हम स्टेम के लास्ट पे ऐड करते हैं, यानी कि रूट वर्ड के लास्ट पे जो हम लिखते हैं, अटैच करते हैं, वो हमारे पास सूफिक्स होता है। अब यहाँ पे ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोथ प्रीफिक्सेस एंड सूफिक्सेस आर रेफर टू अफिक्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये भी आपने याद करना है। और ये डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई है, ये भी एमसीक्यूज के तौर पर आपने याद कर लेनी है। उसके बाद स्टेम की डेफिनेशन बताई गई है कि स्टेम क्या है। स्टेम हमारा बेसिक वर्ड होता है, यानी कि रूट वर्ड होता है, ठीक है। और जो उससे पहले जो हम स्टेम वर्ड से, यानी रूट वर्ड से पहले जो हम लिखते हैं उसको प्रीफिक्स कहते हैं, और जो बाद में लिखते हैं उसको हम सूफिक्स कहते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल हम देखते हैं, उससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा कि ये स्टेम, प्रीफिक्स और सूफिक्स हैं क्या, ठीक है। यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक वर्ड है मेयर, ठीक है। हमारे पास एक वर्ड है क्या, मैयर। तो ये हमारा रूट वर्ड है, असल वर्ड है मैयर, ठीक है। अब मैयर से पहले हम प्रीफिक्स क्या लगा सकते हैं, या फिर मैयर के बाद सूफिक्स हम क्या लगा सकते हैं। अब ये देखिए, मैयर है तो
तो सूफिक्स हम रूट वर्ड के बाद में लगाते हैं, तो रूट वर्ड हमारा मैयर है, तो बाद में हम एबल लगा देंगे तो वो हो जाएगा मैयर एबल, ठीक है। और अगर हम इससे पहले प्रीफिक्स लगा दें, तो प्रीफिक्स लगाते हैं हम इससे पहले, तो वो हमारा होगा इम, ठीक है। मैयर जो है वो रूट वर्ड है, एबल हमारा सूफिक्स है, और यहाँ पे इम जो है ये हमारा प्रीफिक्स है, तो ये वर्ड बन गया इम मैयर एबल, यानी कि जो प्रीफिक्स है वो मीनिंग को चेंज कर देता है। अगर यस में है तो वो यानी कि मैयर एबल यानी कि मैयर हो सकता है, ठीक है। और इम प्रीफिक्स जो है वो क्या करेगा, वो इम मैयर एबल कर देगा, यानी कि मैयर नहीं हो सकता, ये मीनिंग को चेंज कर देता है प्रीफिक्स। वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि प्रीफिक्स जो है वो यूजुअली मीनिंग को चेंज कर देते हैं, जबकि सूफिक्सेस जो हैं वो पार्ट ऑफ स्पीच को चेंज करते हैं, यानी कि अगर वर्ब है तो उसको एडजेक्टिव में कर देंगे। तो होपफुली कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, और ये लाइन जो है ये भी MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये भी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, ये सारे जो है ये आपके पास प्रैक्टिस के तौर पे है, ठीक है। हमारा एक्चुअल वर्ड रूम स्टेम वर्ड क्या था, एक्ट, तो उससे पहले हम प्रीफिक्स री लगाया तो वो हमारे पास क्या होगा, रीएक्ट। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं आपको समझाने के लिए बताई गई हैं। आप ये देखेंगे प्रीफिक्सेस और सुफिक्सेस दोनों को हम क्या कहते हैं, अफिक्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। यहाँ पे ये देखें, पहले भी हमें बताया गया था और ये अगेन बताया गया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है ये एग्जांपल्स ही हैं, तो इस तरह की एग्जांपल भी आपसे पूछी जाती हैं पेपर में, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से या फिर लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ सकता है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स गिवन हो, ऊपर आपके आपको वर्ड बताए गए हों और कहा जाए कि ये वर्ड जो है प्रॉपर्ली जगह पे इनको लगाएं, तो इसकी प्रैक्टिस भी आपने करनी है। नेक्स्ट वन है हमारे पास रीकैप है, ये रीकैप में वही चीज़ें हैं जो अभी हमने लेसन नंबर 7 में देखी हैं, ये सारी चीज़ें हमें अगेन बताई गई हैं, तो इसको आप रीड कर लें एक दफ़ा। वैसे अगर आपने पहले जो है मैंने बताया है वो आप रीड कर चुके होंगे तो फिर आपको अगेन रीड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी अगेन प्रीफिक्स के बारे में बताया गया, प्रीफिक्स के बारे में हम पीछे रीड कर चुकी हैं, अगेन हमें रीड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये देखें कि हमारे पास एक वर्ड है हैप्पी, ठीक है। हैप्पी से पहले हम प्रीफिक्स लगाएंगे तो अनहैप्पी, अनहैप्पी पे हैप्पी का मतलब था कि खुश, अनहैप्पी का मतलब है कि नॉट खुश, नॉट हैप्पी, ठीक है। मीनिंग चेंज हो गया ना कि खुश नहीं है, पहले हैप्पी का मीनिंग है खुश यानी कि हैप्पी, तो अनहैप्पी यानी कि हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है, तो प्रीफिक्स जो है वो मीनिंग को चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं हम, ये सारी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, आपको समझाने के लिए प्रीफिक्सेस लगाए गए हैं। यहाँ पे इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है कि आपको दो सेंटेंसेस गिवन हो, ठीक है, और कहा जाए कि यहाँ से आप प्रीफिक्सेस बताएं, ठीक है। तो अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास नॉन इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट, इम्पैक्ट से पहले हमने नॉन लगाया है, तो नॉन जो है वो इम्पैक्ट का मीनिंग चेंज कर देगा, इट्स मीन कि ये हमारा प्रीफिक्स है, तो नॉन यहाँ पे आपके पास प्रीफिक्स है। देन यहाँ पे इनएक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव यानी कि महंगा, इनएक्सपेंसिव यानी कि महंगा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास इन जो है ये प्रीफिक्स है। इस तरह से भी आपको कहा जा सकता है कि आप सेंटेंसेस में से प्रीफिक्सेस फाइंड करें। नेक्स्ट वन चलते हैं, सिनोनिम्स, सिनोनिम्स क्या होते हैं, जिनके मीनिंग सेम होते हैं या नियरली सेम मीनिंग होते हैं, ठीक है। सिनोनिम सेम मीनिंग्स होते हैं, एंटोनिम में ऑपोजिट मीनिंग्स होते हैं। उसके बाद ये आपके पास गिवन है कुछ MCQs, इनको भी आपने एक दफ़ा देख लेना है कि इनके क्या आंसर बन रहे हैं, ठीक है। ये पूछे जा सकते हैं आपको, कोई एक MCQs जो है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन चलते हैं, लेसन नंबर 9 है हमारे पास, इसमें भी हमारे पास पैराग्राफ्स गिवन हैं और पैराग्राफ का मेन आइडिया बताना है। देखा, ये बार बार आपको चीज़ें बताई गई हैं ताकि आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो पैराग्राफ है उसका मेन आइडिया पूछा गया है, ट्रू फॉल्स दिए गए हैं, तो ये सब आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। इनमें से हमारे लिए कोई भी इतना इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं आई, हम पहले देख चुके हैं, वही चीज़ें बार बार आ रही हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जो न्यू चीज़ें हैं वो देखते हैं, ठीक है। लेसन नंबर 10 की तरफ चलती है, यहाँ पे क्या है, अगेन हमें पैराग्राफ गिवन है मेन फ्रेम्स का, ठीक है। यहाँ पे भी वही चीज़ें, मेन आइडिया, ट्रू फॉल्स, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए गिवन है, तो ये भी हम देख चुके हैं, सिनोनिम, एंटोनिम, फिल इन द ब्लैंक्स। हम चलते हैं नेक्स्ट अपने लेसन नंबर 11 पर।
लेसन नंबर 11 में हमारे पास कुछ न्यू चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। वो क्या है कि हमारे पास जो रिलेशनशिप होता है रीडिंग स्पीड और रीडिंग कंप्रीहेंशन में एक रिलेशनशिप होता है। तो ये MCQs के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है, इसको आपने MCQs के तौर पर याद कर लेना है कि रीडिंग स्पीड में और रीडिंग कंप्रीहेंशन में एक रिलेशनशिप होता है। उसके बाद आपके पास अगेन एक नेक्स्ट MCQs है कि अगर आप तेज़ी से रीड करते हैं, रैपिडली रीड करते हैं, तो फिर आपकी कंप्रीहेंशन जो है वो सफ़र होगी। तो ये एक फॉल्स अज्यूम्पशन है, ठीक है। तो ये भी आपने MCQs के तौर पर याद करना है। उसके बाद आपके पास है कि स्लो रीडिंग की वजह क्या है, स्लो रीडिंग की का कॉज क्या है, वो है वोकलाइजेशन। तो ये भी MCQs के तौर पर पूछा जा सकता है। वोकलाइजेशन जो है वो स्लो रीडिंग की वजह है, स्लो रीडिंग का कॉज है, ठीक है, ट्रू या फॉल है बताएं। तो MCQs के तौर पर ये भी आपने देखना है। उसके बाद आपने देखना है कि वोकलाइजेशन जो है वो पुअर रीडर का एक साइन है, ठीक है। रीडर जो है वो पुअर रीडर है, ये किस क्या चीज़ हमें बताती है, वोकलाइजेशन हमें बताती है। तो ये भी MCQs के तौर पर आपने करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें आ गई हैं, वो क्या हैं कि तीन टाइप्स की आपके पास कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, कौन कौन सी। ये आपने सबसे पहले आपने याद रखना है कि आपके पास तीन तरह की कम्युनिकेशन है, तीन तरह के कम्युनिकेशन पर्पसेस होते हैं। कौन सा एक होता है, टू इनफॉर्म, यानी कि किसी को एक कम्युनिकेशन इस तरह से होती है कि किसी को बता रहे हैं आप, कुछ टू इनफॉर्म, आप किसी को इन्फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और एक कम्युनिकेशन होती है टू परसुएड, यानी कि किसी को आप आमादा कर रहे हैं, किसी को आप कन्वेंस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो होती है टू परसुएड। और एक कम्युनिकेशन होती है टू इंटरटेन, यानी कि दूसरों को इंटरटेन करना, दूसरों को खुश करने के लिए आप कम्युनिकेशन करते, तो वो होती है टू इंटरटेन। तीन पर्पजेस की आपके पास कम्युनिकेशन है। उसके बाद नेक्स्ट आपको बताया गया है कि टू इन्फॉर्म जो है, जब हमारा पर्पज़ होता है हमारी कम्युनिकेशन का टू इन्फॉर्म, यानी कि किसी को इन्फॉर्म करना, तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि फैक्ट होते हैं, ठीक है, कि हम फैक्ट जो है उन पर बात करते हैं। फैक्ट वो होते हैं जिनको हम रॉन्ग या राइट प्रूव कर सकते हैं। परसुएड कौन सा होता है, वही मैंने आपको बताया, जब आपने किसी को कन्वेंस करना होता है कि, ठीक है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू से आमादा करना होता है, कन्वेंस करना होता है, वो आपके पास परसुएड होती है। और उसके बाद इंटरटेन है, जो मैंने आपको बता दिया कि किसी को खुश करने के लिए, इंटरटेन करने के लिए आप ये कम्युनिकेशन जो है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद MCQs के तौर पर ये आपने लाइन करनी है। उसके बाद नेक्स्ट ये लाइन भी आपने करनी है MCQs के लिए। उसके बाद नेक्स्ट ये भी MCQs के लिए एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद हमारे पास फंक्शन वर्ड्स एंड कंटेंट वर्ड्स, तो ये MCQs के तौर पर आपसे पूछे जाते हैं। कंटेंट वर्ड्स एंड फंक्शन वर्ड्स, इनके जो हाईलाइट मैंने किया है इतना आपने रीड कर लेना है, ताकि अगर इनके रिलेटेड आपसे MCQs पूछा जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकें। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि फैक्ट क्या होता है, ठीक है। फैक्ट और ओपिनियन दोनों चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। फैक्ट एंड ओपिनियन आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है, आपको सेंटेंसेस गिवन होंगे और पूछा जाएगा कि ये फैक्ट है या फिर ओपिनियन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा स्टूडेंट से पूछा जाता है कि सेंटेंसेस गिवन होते हैं और पूछा जाता है कि ये सेंटेंसेस जो है ये फैक्ट है या ओपिनियन है, तो आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फैक्ट है या ओपिनियन है। फैक्ट सेंटेंस आपके पास वो होता है जिसको आप प्रूव कर सकें कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, यानी कि आपके पास उसका सबूत हो उसको प्रूव करने का कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो फिर वो क्या होगा, वो सेंटेंस जो है, वो स्टेटमेंट जो है वो फैक्ट होगी। और अगर कोई स्टेटमेंट जो है वो ओपिनियन है, वो ओपिनियन कब होगी, जब आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा कि आप उसको ट्रू या फॉल्स साबित कर सकें, और वो आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो वो हमारे पास ओपिनियन होती है, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं, क्या है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ओपिनियन क्या होता है, कि अपना आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ओपिनियन होता है। उसके बाद लिसनिंग मार्कर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिसनिंग मार्कर्स हैं, MCQs के तौर पर पूछा जा सकते हैं आपसे। लिसनिंग मार्कर्स क्या है, जैसे हम जैसे यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा देती हूँ, जैसे ये मैंने MCQs लिखे हैं ना, ठीक है, तो MCQs को मैंने लिस्टिंग मार्कर जो दी हैं 1 और 2, ठीक है, तो एक सीक्वेंस है, या फिर मैं यहाँ पे लिख सकती थी फर्स्ट एंड सेकंड, तो वो भी लिस्टिंग मार्कर्स थे लिस्टिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब लिस्टिंग मार्कर्स हैं। लिस्टिंग मार्कर्स क्या करते हैं, ये रिलेशनशिप को के सीक्वेंस को शो करते हैं कि फर्स्ट ये, सेकेंडली ये, थर्डली, ठीक है, तो ये सीक्वेंस को शो करते हैं।
उसके बाद लेसन नंबर 12 है, इसमें क्या है हमारे पास इन्फ्रेंसेज हैं। तो इन्फ्रेंसेज क्या करती हैं कि जब हमारे पास कोई मतलब यहाँ पे आप देख लें कि क्या है, मैं बता देती हूँ आपको, टू डिस्कवर द, ठीक है, यहाँ से हम ऊपर से रीड करना स्टार्ट करते हैं ताकि क्लियरली आपको नज़र आए, पता चले कि क्या है। कि जब हम कुछ कहते हैं लेकिन वो डायरेक्टली नहीं कहते, इनडायरेक्टली जब हम कुछ कहते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास इन्फिडेंस होता है। लाइक इसकी एग्जाम्पल देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा। यहाँ पे ये लाइन आपने एमसीक्यूज के लिए याद कर लेनी है और ये लाइन भी एमसीक्यूज के तौर पर डेफिनेशन याद कर लेनी है। उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्या है। जैसे अगर आप किसी गली में जा रहे हैं और आपने नोटिस किया है कि वहाँ पे एक शॉप है और शॉप के बाहर जो है एक क्राउड इकट्ठा हुआ हुआ है, लोग इकट्ठे हुए हैं, ठीक है, और फिर क्या है कि आपने देखा है कुछ रोड पे कुछ ग्लास जो है वो टूटे हुए पड़े हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप शॉप की तरफ जा रहे हैं तो आपने आवाज़ें भी सुनी हैं, ऊँची ऊँची लाउड टॉकिंग जो है वो भी आपने सुनी है। तो फिर आपने ये सारी सिचुएशन जो है देखने के बाद, सुनने के बाद आपने क्या किया, अभी आप शॉप पे पहुँचे नहीं हैं लेकिन आपने पहले से डिसाइड कर लिया, अपने माइंड में आपने सोच लिया कि क्या हुआ होगा, ठीक है, आपने सोचा होगा कि कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, कोई लड़ाई हो रही है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होता है, ये इन्फ्रेंसेज होती हैं, ठीक है। यानी आप किसी गली में जा रहे हैं, आपने देखा है कि किसी शॉप के बाहर एक क्राउड इकट्ठा है, ठीक है, और वहाँ पे ग्लास टूटे हुए पड़े हैं रोड पे और वहाँ पे ऊंची ऊंची लोग बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप अभी उस शॉप पे पहुँचे नहीं हैं लेकिन आपने पहुँचने से पहले ही एक माइंड जो है वो अपना बना लिया कि वहाँ पे कोई लड़ाई हो रही है, ठीक है। तो आपने ये समझा कि वहाँ पे लड़ाई हो रही है, लेकिन जब आप वहाँ पे गए तो वहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट था, यानी कि वहाँ पे लड़ाई नहीं थी, वहाँ पे तो एक्सीडेंट हुआ था। तो ये है हमारा इन्फ्रेंसेज का कॉन्सेप्ट, यानी कि आप कुछ और सोच रहे थे लेकिन हो कुछ और गया। तो ये हमारे पास इन्फ्रेंसेज में होता है, यानी कि हम कह कुछ रहे हैं लेकिन हमारा जो मकसद है वो कुछ और है। तो ये आप समझ सकते हैं इन्फ्रेंसेज को, ठीक है। तो नेक्स्ट वन चलते हैं हम, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आइडियाज़ दैट आर नॉट स्टेटेड डायरेक्टली। इन्फ्रेंसेज में क्या होते हैं कि हमारे पास आइडियाज़ जो हैं वो डायरेक्टली स्टेटेड नहीं होते, इनडायरेक्टली होते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं इम्पॉर्टेंट, ये सारे ऐसे ही पैराग्राफ्स गिवन हैं तो इनको रीड करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वन लेसन नंबर 13 है, इसमें भी हमारे पास एक फैक्ट और ओपिनियन जो मैंने आपको बताया था वही चीज़ इसमें बताई गई है। फैक्ट क्या होता है, फैक्ट वो स्टेटमेंट होती है जिसको हम प्रूव कर सकते हैं किसी एविडेंस से, ठीक है, किसी सबूत से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। वो ट्रू जो है, वो प्रूफ जो है वो फिजिकल प्रूफ भी हो सकता है, टेस्टिमनी ऑफ विटनेसेस भी हो सकती है, यानी कि स्पोकन एंड रिटन भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है, एग्जांपल के तौर पर आप देख लें कि पाकिस्तान वन द 1992 वर्ल्ड कप, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट गिवन है और हमें कहा गया है कि हम बताएं कि ये फैक्ट है या फिर ओपिनियन है। तो हम किस तरह से बताएंगे, या जैसे ये देखेंगे, ये तमाम स्टूडेंट्स को पता है कि पाकिस्तान जो है वो 1992 का वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है। अगर आपको नहीं भी पता तो आप क्या करेंगे कि आप हिस्ट्री में चेक कर लेंगे कि 1992 में पाकिस्तान जीता था, कप जो है वो जीता था या नहीं। अगर जीता है तो स्टेटमेंट ट्रू होगी, अगर नहीं जीता तो स्टेटमेंट फॉल्स होगी, यानी कि हम इसको साबित कर सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो इट्स मीन कि ये हमारी फैक्ट स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट जिसको हम प्रूव कर सकते हैं कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, तो वो हमारी फैक्ट होगी। और ओपिनियन क्या होगी, जिसको हम प्रूव नहीं कर सकते कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि जिसको हम प्रूव नहीं कर सकते वो हमारी ओपिनियन होगी। ओपिनियन किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है। तो जिस तरह से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होगा मिड टर्म के पेपर्स के हवाले से, आपका पॉइंट ऑफ व्यू मिड टर्म के पेपर्स के हवाले से चेंज होगा, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट लोगों के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हैं, तो इन ये ओपिनियन है, तो ओपिनियन जो है उसको हम प्रूव नहीं कर सकते ट्रू है या फिर फॉल्स है, ठीक है। होपफुली जो है आपको क्लियर हो गया होगा। और जैसे ये ब्यूटीफुल है, ठीक है, तो ब्यूटीफुल जो है ये एक वैल्यू वर्ड है और ये एक्सप्रेशन को जजमेंट को चेक कर रहा है, ठीक है। तो हो सकता है मुझे कोई चीज़ जो है वो ब्यूटीफुल लगे आपको ना लगे, तो ये एक ओपिनियन है, ठीक है, ये फैक्ट नहीं है।
उसी तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो दुनिया में बेस्ट है, बेस्ट टीम है, ठीक है। तो ये हो सकता है मुझे लगे, आपको ना लगे, कि आप लोग को लगे इंडिया जो है वो वर्ल्ड में बेस्ट है, या फिर कोई और ऑस्ट्रेलिया जो है वो वर्ल्ड में बेस्ट टीम है, ठीक है। तो इस तरह से ये ओपिनियन जो है ये डिफरेंट हो सकते हैं डिफरेंट लोगों के, तो ये आपके पास क्या होगी, ये ओपिनियन होगी। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लॉन्ग आपके पास सेंटेंसेस गिवन होंगे और कहा जाएगा कि बताएं कि ये कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फैक्ट है और कौन सी स्टेटमेंट ओपिनियन है। नेक्स्ट वन चलते हैं, लेसन नंबर 13 था हमारा। तो लेसन नंबर 14 में हमारे पास क्या है कि यहाँ पे इसको आपने रीड कर लेना है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैंने हाईलाइट किया, लेकिन फिर भी आप इसको रीड कर लीजिएगा एक दफ़ा, ताकि अगर आपको बाय चांस पूछ जाए तो आप इसको, इसके बारे में आपने कुछ पढ़ा हो और आप कुछ बता सकें। नेक्स्ट में चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पर मैं ज़्यादा टाइम दे रही हूँ, उनको आपको आपका कॉन्सेप्ट जो है उन चीज़ों के बारे में क्लियर कर रही हूँ। उसके बाद टेबल है, टेबल की आपने जस्ट डेफिनेशन करनी है, ये MCQs ही पूछा जाता है, इसके अलावा टेबल के बारे में कुछ नहीं पूछा जाता। उसके बाद बार ग्राफ, बार ग्राफ की भी आपके पास डेफिनेशन है, ये भी MCQs के तौर पर पूछी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्यूट कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, ठीक है। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट है MCQs के हवाले से भी और क्वेश्चन के हवाले से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अब ये देखिए हमारे पास एब्सोल्यूट यानी कि वर्ड क्या है, एक्चुअल वर्ड हमारे पास क्या है, न्यू, हमारे पास एक्चुअल वर्ड है न्यू। तो हमारे पास अगर हमें कहा जाए कि इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म लिखे तो हमने किस तरह से लिखनी है, हमारे पास वर्ड है न्यू, तो न्यू के आगे हम ई आर लगाएंगे तो हमारे पास बन जाएगी कंपैरेटिव फॉर्म, और अगर हम न्यू के आगे ई एस टी लगाएंगे तो वो हमारे पास हो जाएगी सुपरलेटिव फॉर्म। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, जैसे ओल्ड है तो ओल्ड के आगे ई आर लगाएंगे तो कंपैरेटिव फॉर्म बन जाएगी, और ई एस टी लगाएंगे तो सुपरलेटिव फॉर्म बन जाएगी। इसी तरह से हमारे पास इंटरेस्टिंग है तो इंटरेस्टिंग के आगे अगर हम मोर लगाएंगे तो कंपैरेटिव फॉर्म, और अगर हम मोस्ट लगाएंगे तो वो हमारे पास सुपरलेटिव फॉर्म। तो ये MCQs और क्वेश्चन के हवाले से आपको लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलती है, वीडियो जो है वो हमारी ज़्यादा लेंथी हो रही है, इतना ज़्यादा एक टाइम पे बोलना बहुत मुश्किल बात होती है, जो कि आपकी हेल्प के लिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं, उनका यही क्वेश्चन था कि मैम हमारी प्रिपरेशन नहीं है, किस तरह से प्रिपरेशन करें, तो उनकी हेल्प के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो यहाँ पे भी हमारे पास सुपरलेटिव है, तो सुपरलेटिव की ये डेफिनेशन आपने देख लेनी है। सुपरलेटिव में वही है कि हमारे पास एक वर्ड है, उसके आगे हम ई एस टी लगाएंगे तो सुपरलेटिव फॉर्म बन जाएगी, और उससे पहले हम मोस्ट लगाएंगे फिर भी हमारे पास सुपरलेटिव फॉर्म बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, लेसन नंबर हमारा 15 था। लेसन नंबर 16 में हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट है ये है हमारे पास आयरोनी, ठीक है। दो तरह की हमारे पास आयरोनी होती है, एक सिचुएशनल आयरोनी, ठीक है, तो एक वर्बल आयरोनी। दोनों आयरोनी जो है ये आपने देख लेनी है, यहाँ पे गिवन है इसकी स्टेटमेंट्स, तो इन स्टेटमेंट्स को आपने देख लेना है। सिचुएशनल आयरोनी क्या है कि जैसी कोई सिचुएशन थी आपने उसको किसी और लिहाज से सोचा था लेकिन वो उसके ऑपोजिट हो गई, तो ये हमारे पास सिचुएशनल आयरोनी होगी। जैसे वहाँ पर हम शॉप में गए, वहाँ पर हमने सोचा कि शायद कोई लड़ाई हो रही है, ठीक है, लेकिन हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट था कि वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है। तो ये हमारे पास सिचुएशनल आयरोनी होगी, यानी कि हम कुछ और सोच रहे हैं, हम कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन उसके ऑपोजिट हो गया, तो वो हमारे पास सिचुएशनल आयरोनी होगी। और वर्बल आयरोनी क्या है कि हम कुछ कह कुछ रहे हैं और इसका मीनिंग और है। जैसे बस लोग जो हैं वो तनकीद के तौर पर कहते हैं, अगर उनको कोई चीज़ अच्छी नहीं आई, ठीक है, तो अगला पूछेगा कि आपको ये चीज़ कैसी लगी, तो वो कहेंगे एज अ तनकीद, उनका मीनिंग कुछ और होगा लेकिन वो कहेंगे कि हाँ हाँ बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये क्या है, ये वर्बल आयरोनी है, यानी कि आपका मीनिंग और है और कह आप कुछ और रहे हैं। उसके बाद आपके पास आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट को आपने इसकी फर्स्ट जो सेंटेंस है उसको जस्ट आपने देख लेना है। उसके बाद आपके पास फ्लाइसिस हैं, तो तीन तरह की आपके पास फ्लाइसिस होती हैं, चेंजिंग द सब्जेक्ट, सर्कुलर और पर्सनल अटैक, ठीक है। सर्कुलर रीजनिंग में क्या होता है कि आप जहाँ से बात आपने शुरू की वहाँ पर आप आके ख़त्म कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद चेंजिंग द सब्जेक्ट क्या है कि बात कुछ और हो रही थी, आपने बात को चेंज कर दिया, तो ये होगा चेंजिंग सब्जेक्ट।
उसके बाद आपके पास पर्सनल अटैक है। तो पर्सनल अटैक क्या होता है, जैसे पर्सनल अटैक मोस्टली जो है पॉलिटिक्स में होता है। जैसे आप एग्जांपल ले लें, पॉलिटिक्स में वैसे भी कोई भी सीन होता है, ठीक है, तो एक दूसरे सियासतदान जो है एक दूसरे पर पर्सनल अटैक करते हैं, ठीक है। जैसे इमरान खान है, ठीक है, तो इमरान खान पे पर्सनल अटैक किया गया कि उनके निकाह के बारे में जो सीन था वो उनका पर्सनल था, ठीक है, निकाह का मैटर उनका पर्सनल था, लेकिन सियासतदानों में जो पॉलिटिक्स के लोग थे, ठीक है, उन्होंने उन पर पर्सनल अटैक किया कि उसके उस इशू को उठाया, ठीक है, तो ये पर्सनल अटैक होता है। ये डेफिनेशन आपने देख लेनी है एमसीक्यूज के तौर पर। उसके बाद आपके पास दो तरह की जनरलाइजेशन होती है, हैस्टी जनरलाइजेशन और एक होती है आपके पास कौन सी है, फॉल्स कंपैरिजन। फॉल्स कंपैरिजन यानी कि दो चीज़ें हमारे पास दोनों बिल्कुल डिफरेंट है और हम उनका कंपैरिजन कर दिया तो ये फॉल्स कंपैरिजन होगा। जैसे हमारे पास एक लैपटॉप है एक चेयर है, ठीक है, तो दो चीज़ इन दोनों का हम आपस में कंपैरिजन कर दें तो ये बिल्कुल फॉल्स कंपैरिजन होगा, यानी कि चेयर एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, लैपटॉप एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, तो इन दोनों का कंपैरिजन एक फॉल्स कंपैरिजन होगा। नेक्स्ट वन लेसन नंबर 17। लेसन नंबर 17 में आपने ये डेफिनेशन देखनी है क्लोज प्रोसीडर की। क्लोज प्रोसीडर क्या है कि आपके पास एक पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ में कुछ वर्ड्स मिसिंग होते हैं, डिलीटेड होते हैं, तो उन वर्ड्स को आपने फिल करना होता है, ये मिसिंग वर्ड्स जो है उनको आपने फिल करना होता है। उसके बाद आपके पास स्किमिंग एंड स्कैनिंग है। स्किमिंग में आप क्या करते हैं कि आप रीडिंग करते हैं, और स्कैनिंग में आप क्या करते हैं कि आप स्पेसिफिक ऑर्डर इंफॉर्मेशन को अनस्पेसिफाइड इन्फॉर्मेशन को ऑर्डर में लेके आते हैं, वो हमारे पास स्कैनिंग होती है। उसके बाद ये लाइन जो हाईलाइटेड है इनको आपने रीड कर लेना है। तो ये हमारे पास क्या है, ये स्कीमिंग है, ये हमारे पास क्लोज प्रोसीडर है। क्लोज प्रोसीडर क्या है कि आपके पास पैराग्राफ होता है, उसकी फर्स्ट दो तीन लाइन जो है वो कम्प्लीट लिखी होती हैं, उसके बाद लास्ट लाइन जो है वो भी कम्प्लीट होती है, लेकिन दरमियान से हमारे पास वर्ड जो है वो मिसिंग होते हैं, तो उन डिलीटेड वर्ड्स को आपने राइट करना होता है, ये आपके पास क्लोज प्रोसीडर होता है। नेक्स्ट वन चलते हैं, ये उसकी एग्जांपल्स आगे गिवन है, सैंपल पैराग्राफ, तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट वन लास्ट वन एमसीक्यूज लेक्चर नंबर 18 तक ही आपका सिलेबस है, तो लास्ट वन जो है वो हमारे पास अगेन स्कीमिंग एंड स्कैनिंग है। तो पैराग्राफ्स गिवन है और ट्रू फॉल्स, ये सारी चीज़ें जो है वही हैं, ठीक है, सिनोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, एंटोनिम, तो ये सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने आपको बताई हैं, जो आपसे पूछी जा सकती हैं पेपर में। बस कि हमारा लेक्चर नंबर 19 आ गया, तो हमारा सिलेबस जो है वो यहीं तक था, तो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट CS 101 की और मज़ीद जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें।